हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ ही साथ बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, सो दैट जब भी इस चैनल पे कोई नई वीडियो अपलोड हो तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप हमें IG, ट्विटर, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो गाइज, मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया हुआ है वीडियो बना के सहयोंग एंड जिमिन की जो दोस्ती है वो कितनी ज़्यादा अच्छी है एंड कितनी ज़्यादा मजबूत है। एंड यस, ये बात तो आप लोगों को भी पता होगा कि जो फी है एंड जो जिमिन है उनकी दोस्ती अब से नहीं है, लेकिन उनकी दोस्ती BTS से पहले से ही है। जब से सहयोंग एंड जिमिन हाई स्कूल में थे तब से इनकी दोस्ती है, एंड जब ये लोग BTS में आए थे तो इनका काफ़ी अच्छा कनेक्शन बन गया। इसलिए सहयोंग एंड जिमिन को सोलमेट भी बोला जाता है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जिमिन वैसे तो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, लेकिन जब सहयोंग को हल्का सा भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे हम सबसे पहले जिमिन को ही देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब सहयोंग ने स्पीच दिए थे अपनी दादी माँ के लिए एंड वो इमोशनल हो गए थे कॉन्सर्ट में, तो जिमिन ने आके सहयोंग को बैग हग किए थे। एंड यस, सहयोंग भी जिमिन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा दोस्त मानते हैं एंड सहयोंग ने इस बात को बहुत बार बताए भी है जितने भी फैंस हैं उन सभी के सामने, एंड ऑब्वियसली जिमिन के सामने भी उन्होंने इस बात को बताए हैं। वेल, मैं आपको बता दूं कि अभी जो मेलन इंटरव्यू हुआ था वहाँ पे जितने भी BTS मेंबर थे उन सभी से सवाल पूछे गए थे। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे RM, जिन एंड वी से एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप हमें ये बताओ कि जब आप अपने सॉन्ग डेंजर के बारे में सोचते हो तो आपके मन में सबसे पहला क्या ख्याल आता है। तो यहाँ पे तहियोंग ने जवाब दिए कि जैसे ही मैं डेंजर सॉन्ग के बारे में सोचता हूँ तो ना मेरे माइंड में एक ही ख्याल आता है, वो ये है कि जिमिन तहियोंग के कितने ज़्यादा क्लोज थे, तो उनको बस एक यही पार्ट याद आता है, क्लोजअप सीन ही याद आता है उनको जो जिमिन के साथ था उनका। एंड गाइस, आप अगर इस समय जाके देखोगे MV BTS डेंजर, तो सबसे ज़्यादा जो एक सीन चलाया गया है वो यही वाला सीन है जिसमें सहयोंग की बहुत ही क्लोज है जिमिन। यस, आपने बिल्कुल सही सुना है। बस सहयोंग ने इस चीज़ का इंटरव्यू में खुलासा किया, उसके बाद ही जो आर्मीज है वो लग गई सभी चीज़ें देखने में, जांच पड़ताल करने में कि कितने क्लोज थे जिमिन, क्या था क्या नहीं था, क्या बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड चीज़ें सीन में जो चीज को हमेशा याद करते हैं, तो सभी चीज़ें। तो गाइस, यहाँ पे हम इस बात का तो अंदाज़ा अच्छे से लगा सकते हैं कि वी या कोई भी BTS मेंबर अगर किसी बात को ऐसे ही फनी वे में भी बोल देते हैं तो आर्मीज उस बात को अच्छे से जांच करती है, समझती है, बिकॉज जो आर्मीज है वो बहुत ही ज़्यादा लाइक करती है अपने आइडल्स को एंड जानना चाहती है सभी चीज़ें, है ना। एंड यहाँ पे तो सहयोंग ने सीरियस वे में बोले थे कि उनको जिमिन के साथ क्लोजअप सीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो यस, बस उस एक सीन को बहुत ही ज़्यादा चलाया गया। वेल गाइस, आप कॉमेंट में मुझे अपना रिएक्शन बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।